आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब वासियों नूं तोहफा दिता। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अपने विधानसभा हलका पट्टी के बस स्टैंड तो मंगलवार को लंबे समय तो बंद पए रूटा तो दोबारा बस सेवा शुरू करते हुए 18 नवीं बसा हरी झंडी दे के रवाना किया। पहला एक कहावत आम सी कि आगरी रोडवेज की लारी ना कोई शीशा ना कोई बारी। ए लाइना अक्सर रोडवेज दिया बसा दे लिए बोलिया जांदियां ने, पर ए गल्ला हुण पुरानियां हो चुकियां ने। हुण सड़कां ते नवीं रोडवेज दिया बसा दौड़नियां ने, जिन्हां दे विच मंगलवार नूं होर भी वाधा किया गया है, जिथे पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पंजाब रोडवेज दी 18 नवीं बसा नूं हरी झंडी दे के रवाना किया। अज पट्टी शहर तो 18 रूट दिते गए आ, जिहड़ियां 18 दीआं 18 नवीआं बसां पंजाब रोडवेज दीआं दित्तीआं। पंजाब दे लोकां दी मंग सी लंबे समय तो कि ये रूट चलाए जाण, बहाल कीते जाण, जिहड़े बड़े लंबे समय तो बंद पए सन, ते अज हरी झंडी दे के 18 बसां पट्टी शहर तो रवाना कीतीआं गईआं। ये पट्टी इलाके लिए, पट्टी शहर लिए, पंजाब के लोगों लिए बड़ी वड्डी माण वाली गल आ कि जिहड़े लंबे समय तो रूट बंद पए अज बहाल कीते गए। इस मौके भुल्लर के निशाने से निजी ट्रांसपोर्टर भी रहे। भुल्लर ने कहा कि पंजाब भर के निजी ट्रांसपोर्ट माफिया उत्ते लगाम कसन वास्ते योजना तैयार की जा रही है, तो जल्द ही सरकार के खजाने नूं ढा लाउण वाले ट्रांसपोर्ट माफिया उत्ते नकेल कस ली जाएगी। बस शुरू आ काम सारा जिहड़ा ए कीता इन्होंने, पंजाब नूं ट्रांसपोर्ट माफिया ने कंगाल किया, उहदे ते कारवाई जल्द शुरू कर रहे हैं। बसा चैक होणगियां, एक परमिट एक बस चलेगी, ये नहीं होगा कि एक परमिट से दो बसा चलेंगी, जां परमिट अटैच करके इन्होंने जिहड़े कंबाइन करके बसा के लंबे रूट किए वह भी बंद करांगे। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दस्या कि हुण पट्टी तो ज्वाला जी वाया चिंतपुरनी, पट्टी तो यमुना नगर, पट्टी तो दिल्ली वाया मोगा, पट्टी तो बठिंडा डब वाली, पट्टी तो हुशियारपुर वाया चोला साहब, पट्टी तो जम्मू वाया अमृतसर, पट्टी तो श्री आनंदपुर साहिब वाया अमृतसर, छोटे रूटा ते जाने लई बसां शुरू कर दित्तियां गईआं ने। पट्टी तो ब्यूरो चीफ जसवीर औलख की रिपोर्ट, NC7 न्यूज़।